वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुनस जमील, राशिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शीरिन खान साहब मौजूद हैं। टेलीफोन लाइन पे हमें कवि खान साहब ने ज्वाइन किया हुआ था ब्रेक से पहले, और आई एज्यूम कि अभी तक वो हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम कवि साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आपके साथ हूँ जनाब। कवि साहब मुझे ये बताइए कि आपका तो राशिद साहब के साथ बहुत ज्यादा साथ गुजरा है, आपने बहुत सा काम इकट्ठा भी किया है। एज एन आर्टिस्ट तो हम सब इन्हें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एज ए पर्सनैलिटी, एज ए फ्रेंड कैसे बंदे हैं? हाँ, असल में मेरा भी यही एक तरीका रहा है आजमाने का लोगों को। देखिए ना, जब आप किसी के साथ सफर करते हैं या बैठते हैं या कुछ अरसा वक्त गुजारते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है। तो फिर ये तो हमारे साथ काम ही करते हैं, इनमें सबसे बड़ी क्वालिटी, आप ये तो छोड़िए कि ये हमारे आर्टिस्ट जो हैं कितने बड़े हैं, वो तो हैं ही, लेकिन आर्टिस्ट के साथ ये इस कदर खूबसूरत शख्सियत है मैं आपको बता नहीं सकता। यानी अक्सर ये होता है कि मैं कभी कोई थोड़ी बहुत आदमी को कुछ सोच विचार में आदमी खो जाता है, कोई फिक्रों में होता है कहीं, तो एकदम इनकी कॉल आ जाती है। यानी वो ये शख्स है जो खुद कॉल करते हैं लोगों को कि भाई आप कैसे हैं, तबीयत कैसी, तो तबीयत बशाश हो जाती है कि कोई ऐसा शख्स भी है इतना बड़ा आर्टिस्ट होने के अलावा जो आपकी केयर करता है, आपको अपने जहन में रखता है, आपकी अच्छी सेहत की दुआ करता है, आपके लिए बेहतरी चाहता है, ऐसे लोग बहुत कम है हमारे। अच्छा मुझे ये बताएं राज साहब, मतलब कवि साहब ने तो इतनी बातें कर ली, थैंक यू कवि साहब हमारे लाइन पर। कवि साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, ये मैं आपसे पूछना भूल गया था, ये बताइए कि ये इतने बुरे आदमी क्यों बनते हैं ड्रामों में? अक्सर आप देखेंगे जो बुरे आदमी जो है उनकी बुनियाद जो है वो अच्छाई पर ही वो इमारत तामीर हुई होती है। बड़ा जबरदस्त जवाब दिए कवि साहब। अच्छा फारूक, वो एक वादा था आपका कोई 6 महीने पहले जब मैं आपके प्रोग्राम में आया था, शर्ट आपने देनी है। बात कर दी आपने की है 10 लाख की बात। कवि भाई मेरी तरह से आपकी शर्ट बिल्कुल तैयार है, जब आप कहेंगे आपको पहुंच जाएगी, आज ही पहुंचाऊंगा। ओके, खुश रहो। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगता है राशिद साहब इतने जब आप कॉलीग्स हो इतनी बात करें, माशाल्लाह। देखिए मैं समझता हूँ कि बड़े लोग जो होते हैं ना वो जिंदगी की किसी भी कैफियत से गुजर रहे हैं, भी बड़ी होती हैं। उनका कोई जेस्चर कभी छोटा नहीं होता। तो खास साहब तो हमारे बड़ों में से हैं और सचमुच के बड़े, मोहब्बत और शफकत है। आप हो गए कवि खान साहब, तलत हुसैन, लिविंग लेजेंड्स हैं माशाल्लाह से। अच्छा शीनी साहब मुझे बताएं, आपकी तो फैमिली में किसी का दूर दूर तक पॉलिटिक्स से कोई था ही नहीं ताल्लुक वास्ता, एम आई राइट? हाँ जी, मेरी तो आप कैसे मेजोरिटी फैमिली जो है वो टेक्नोक्रेट्स हैं, हाँ। सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एजुकेशन। जी मेरे हस्बैंड भी ब्यूरोक्रेट थे, right. जी बिल्कुल, तो आप से काफी सीनियर। जी मैं 15-16 साल से आई वॉज विद PMLN, और जब मेरे हस्बैंड सरकारी अफसर होते थे, मियाँ साहब जब पहली दफा PM बने उस जमाने में, ही वॉज कंट्रोलर टूरिज्म सर्विसेज, और उस जमाने में मैं हम बुरकों में, और जब अपोजिशन में वो थे, लॉन्ग मार्च, तरीके निजात, आई यूज टू गो, और सारी सरकारी अफसरों की बीवियां मेरे साथ हुआ करती थी इन तहरीकों में। वो एक पार्टी अफिलिएशन जो चली आई, लेकिन जब ये एग्जाइल में थे और लंदन में इनसे मुलाकातें होती थी, और वहाँ जब मैंने इनको रोते हुए कई दफ़ा देखा फॉर द कंट्री, और जो मैंने इनकी बातें सुनी और जो महसूस हुआ, इकतदार में और बात है, और फिर आई सॉ द लव इन देयर आईज। आई मीन पार्टी अफिलिएशन तो थी, तो आई रियली थॉट के आई शुड वर्क विद देम। सही, तो आपने PML नवाज इसलिए चुनी कि आपकी एक एफिलिएशन पहले से बनी हुई, पहले से कई सालों से काम किया हुआ, और आपने कहा कि मैं काम तो कर रही हूँ तो चलो सियासत में भी आ जाऊं। बिकॉज कुछ फोरम्स होते हैं यहाँ पे, देखे ना, एज अ डिजाइनर जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैं चाहती हूँ कि औरतों की एम्पावरमेंट पे काम करूं, मैं वही करने लगी वुमेन फोरम के हवाले से। वुमेन फोरम जो लाहौर चेंबर में, उसकी चेयरपर्सन हूँ। डाइट कॉन्शियस है या बस जो मिलता है मेरी सेहत देख लें? डाइट कॉन्शियस तो नहीं हूँ, पहले तो बहुत थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है जिम रेगुलर जाती हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता, मुझे अल्सर है, तो आई कांट रिमेन एम्प्टी स्टमक, तो वो ये है कि इसलिए वेट भी खाने बढ़ में गया। क्या पसंद करती हैं ज़्यादा? वेजिटेरियन हूँ जी। अच्छा, बिल्कुल वेजिटेरियन हूँ, काफी सालों से। आई डोंट टेक शुगर एट ऑल, कई सालों से नहीं पीती, मोटापे से आप मत देखें, लेकिन ये है कि मुझे चीनी बिल्कुल पसंद नहीं है, वेजिटेबल्स खाती हूँ, मतलब ये कि देसी खाने, देसी लिविंग, आप मुझे नीचे बिठाएं नीचे बैठ जाऊंगी। इट्स नॉट, मैं ये समझती हूँ बड़ाई आपके सर में होनी चाहिए, ऐसे उल्टी सीधी अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाना ये वो। आपको एक मजेदार बात बताऊं, एक दफा मैं पेरिस गई एक एग्जीबिशन पे अपनी जाती,
नीचे बैठ गई, वहां थक गई, थकावट हो जाती है, सारा दिन इतना काम करना पड़ता है। तो एक हमारे साथ गई थी पाकिस्तान से, मुल्तान से, एक और विमेन एंटरप्रेन्योर, उन्होंने मेरी तस्वीरें खींची। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान में दूंगी कि तुम एमएनए, तुम नीचे फर्श पे बैठी हो। मैंने कहा आप ये कहती हैं, मैं तो वहां तो थोड़ी सी एक कापट सी थी। मैंने कहा ये भी ना हो, मिट्टी पे हम तो उस इलाके के लोग हैं, हम तो देसी लोग हैं, देसी लोग, हम चारपाइयों पे बैठ के। अच्छा लेकिन फेवरेट सब्जी कौन सी है, कौन सी ये आपने मेरी जी बोंगलो तो नहीं है, कश्मीरी तो खाओ होते हैं, कोरमे शोरमे पसंद है ना मैडम भाई, बिल्कुल सही, सारा कुछ करता हूँ। लेकिन मेरी फैमिली में बकिया जितने फर्द हैं वो उनको देख के पता लग जाता है ये कश्मीरी। आपका क्या मेरा, मेरा चूंकि सारा मेरी जिंदगी का सारा टेनोर तो यहाँ गुजर गया, तो मुझ पे वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। और मैं डाइट कश्मीरी होने के बावजूद बड़ी माकूल और वो थोड़ी, लेकिन मैं उनमें बैठता हूँ, देखता हूँ उनको, और है वैसे खाओ। मैंने एक प्रोग्राम में देखा था आप शायरी भी करते हैं, आपका मैंने सुना है, आपकी बड़ी तारीफ सुनी है मैंने। देखो मैं अभी जरूरत की बात हो रही थी, तो शोबिज में बंदा हो और उसको कुछ कहा जाए और वो कह दे कि ये मुझे नहीं आता, तो थोड़ा सा गुनगुना देता प्लीज, क्योंकि सरायकी बेल्ट भी नजदीक है। हाँ। तो काफी थोड़ी सी एक सरायकी का शेर सुना, सरायकी अब आपको भी गाना सुनाना है थोड़ा सा, हाँ होना चाहिए मुकाबले पे। शाम सेन की एक काफी है मुख्तलिफ, मिकाल हसन बैंड जो है उनकी है, उसमें जावेद बशी, तो वो तो जाहिर है जिस कॉन्फिडेंस, लेकिन मैं बहरहाल थोड़ी सी गुनगुना देता हूँ, आपने कहा तो भागूंगा थोड़ी, मैं सुनाता हूँ आपको। सजन दे हथ की कर आख छड़वे अड़िया की कर आख छड़वे अड़िया सजन दे मरकल काफी क्या अभी तो समावे से बनना शुरू हुआ तो फिर अच्छा आप देखें ना, आपने तो ये कर दिया, अब देखें आप शीरियां आप जो सुनाएंगे ना गाना टक्कर पे कोई गाना होना नहीं सोच है छोड़ दे बस जरूर सराय की गाना मुझे बिल्कुल नहीं आता, मैं आपको अपनी सराय की किसी को नहीं आता नहीं आता जो आपको पसंद है वो गुनगुना दे, थोड़ा सा एक लाइन गुनगुना नहीं सकती थी, ये एक वाहिद काम है, क्रिएटिविटी बहुत है, इतनी टेक्निकल भी नहीं हूँ, नॉन टेक्निकल, छोटे बच्चे, आई लव म्यूजिक जी, मेरी पैशन है म्यूजिक। फेवरेट सॉन्ग कौन सा, ये बताइए फेवरेट सॉन्ग कौन सा जो गुनगुनाती हैं वैसे या पसंद है? जिंदगी में गाती तो होंगी आप घर में किचन में, मतलब कई अक्सर फेवरेट सॉन्ग वो राहत फतेह का आजकल जो है तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है गाना नहीं सुनते, जिनको मौसीकी और शायरी का शौक नहीं है, दे आर वेरी ड्राई पीपल, दे आर नॉट क्लोज टू रियलिटी। अच्छा शेर सुना देती हूँ सरायकी का, वैसे सरायकी का, कदई त डोख भी टल वे सिन, कदई त डोख भी टल वे सिन, कदई त सुख दा सा मिल सी, कदई त सुख दा सा मिल सी, ए मेरे मुल्क दे लोगो, ए मेरे मुल्क दे लोगो, इना नफरता को मुका देवो, इना नफरता को मुका देवो, ना ता जै इस मुल्क को बढ़ाया है वंज ते उकू वला देवो। क्या बात है, थैंक यू, बहुत अच्छे। अब मैडम ने कहा है तो मुझे मंजूम दुआ है वो मैं मांगा करता हूँ, सरायकी में नहीं उर्दू में। मैं अपने रब से रोज सुबह मॉर्निंग में मैं समझता हूँ इस कदर भरपूर ये चार पांच शेर कि मजीद उसमें रब से और मांगने की गुंजाइश ही नहीं रहती। वो यूं है कि इससे पहले
कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तो मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे, मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे। और ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे, और मेरे लोगों को जहालत के अंधेरों से निकाल, मेरे बच्चों को महो मेहरो सितारा कर दे। तो बस वो उनके उस उससे बड़ी अच्छी। कल मेरा एक दोस्त मुझे कह रहा था कि बड़ी अच्छी सी बात, उसने कहा कि देखो हम सब अल्लाह को एक मानते हैं लेकिन अल्लाह की एक नहीं मानते। मानते सब अल्लाह को, बहुत बड़ी बात। थैंक यू सो मच आर साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। श्री साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आई हैड सो मच टू से, सो मच टू टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह, व्हिच आई वांट माय विमेन के अब वो वक्त है कि आप फल खाएंगे। वो वक्त खत्म हो गया कि आपको फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं, हमारा कोई काम नहीं हो रहा। इंशाल्लाह आपको हम रिजल्ट्स। मैं इतनी खुश हो रही, मेरी पार्टी स्ट्रांग होती जा रही है औरतों की। आई एम वेरी हैप्पी। आप भी ईमेल करके बताएं आपको मेरी पार्टी कैसी। पीएमएल नवाज ज्वाइन कर लिए, मैं अपनी पार्टी एक अलग से तंजीम औरतों की बना रही। थैंक यू सो मच आप दोनों का। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।